Hello everyone. So in the last video we already covered with till section 51 से 59 तक हमने कवर कर लिया था. आज हम 60 सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो ये हमें बताता है डबल एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि कोई भी एडल्ट वर्कर को ना तो रिक्वायर्ड है, ना तो ज़रूरत है और ना ही उसे परमिशन है, ना ही अलाउडेड है डबल एम्प्लॉयमेंट करना. डबल एम्प्लॉयमेंट कैसे, मान लीजिए कोई वर्कर है वो 9 घंटे किसी एक्स वाई फैक्ट्री में काम करता है और फिर 9 घंटों के बाद किसी दूसरी फैक्ट्री के अंदर काम करता है. तो एज अ फैक्ट्री के हिसाब से जो एम्प्लॉयर है उसको जानकारी नहीं है अगर इस बात की, तो वो तो उसके हिसाब से सही चल रहा है, 9 घंटे वो उसकी फैक्ट्री में काम करके जा रहा है और उसके बाद तो उसे पता नहीं है कि वो क्या करेगा. फिर वो दूसरी फैक्ट्री में 9 घंटे काम कर रहा है, तो ये डबल एम्प्लॉयमेंट है, ये अलाउड नहीं है. और अगर एम्प्लॉयर को इसके बारे में जानकारी है तो इस केस में वो डिफॉल्टी होगा. सेक्शन 60 इम्पोज रिस्ट्रिक्शन दैट नो वर्क एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी अदर फैक्ट्री सेव एनी सर्कमस्टांसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 62 रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स. जो एम्प्लॉयर है, जो ऑक्यूपायर है कंपनी का, उसको मेंटेन करना पड़ेगा एक रजिस्टर वर्कर्स के लिए. और जो भी हमारे वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा अगर कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आता है आपकी फैक्ट्री के अंदर. तो अब उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, उसमें हम 4 तरह की चीज़ें लिखते हैं. पहला तो हम लिखेंगे कि वर्कर का नाम, जो भी एडल्ट वर्कर उस फैक्ट्री में काम कर रहा है वो उसका क्या नाम है. हर किसी का अलग अलग मेंटेन होगा उसी रजिस्टर के अंदर. उसके बाद सेकेंड हम लिखेंगे नेचर ऑफ वर्क, वो किस चीज़ पर काम करता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का है या किसी ऑयलिंग मशीन पे काम करता है या वॉशिंग में काम करता है, क्या नेचर है उसके काम का. उसके बाद अगर आपने कोई ग्रुप उसका मेंटेन्ड कर रखा है तो वो ग्रुप में इंक्लूडेड है तो वो ग्रुप का नाम आएगा, ठीक है. अगर आपने उसकी शिफ्ट चेंज करी है तो वो आएगी. और जो भी अदर इंफॉर्मेशन है जो भी प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए वो उस रजिस्टर में पूरा मेंटेन्ड होगा. उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 66 जो बताता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडल्ट. तो हमने देख लिया, अब वुमेन्स के केस में बहुत अलग केसेस आते हैं, इसके अंदर आपका मैटरनिटी लीव भी आता है. तो सेक्शन नंबर 66 हमें बताता है, तो अगर वुमेन वर्कर आपके फैक्ट्री में काम कर रही है तो जो एम्प्लॉयर है उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा. पहला तो है कि जो फीमेल वर्कर है वो 6 बजे से 6 AM टू 7 PM कैन अलाउड टू वर्क. 6 बजे से 7 बजे तक वो काम कर सकती है. और अगर में कोई फ्लैक्सीबिलिटी लानी है, अगर आपको ये टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाना है तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको. उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, 10 PM टू 5 AM तक वो काम नहीं कर सकती. रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अलाउड नहीं है उन्हें काम करना. और थर्ड आता है हमारा, अगर किसी एम्प्लॉयर को उनकी शिफ्ट चेंज करनी है तो वो कब कब नहीं कर सकता, इन द मिड ऑफ द वीक और वीकली ऑफ और एनी अदर हॉलीडे. अगर उनका कोई छुट्टी का दिन है या वीकली ऑफ है तो आप ऐसे ही उनकी शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते. तो सेक्शन 66 प्रोवाइड दैट अ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल इन देयर एप्लीकेशन ऑफ वुमेन इन अ फैक्ट्री बी सप्लीमेंटेड बाय अ फॉलोइंग फर्दर रिस्ट्रिक्शंस. क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, नो एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 मे बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वुमेन. 54 सेक्शन हमें क्या बताता था, 9 hours in a day.
तो उसके लिए तो उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिली है। सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है कि क्या क्या अलाउड है उन्हें, नो वुमेन शेल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, नहीं है एक्सेप्ट, मतलब कब कब है, इन द बिटवीन 6 AM to 7 PM। देन द स्टेट गवर्नमेंट में ऑथराइज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी वुमेन बिटवीन आवर्स 10 PM to 5 AM, इसमें वो काम नहीं कर सकती। और देयर शैल बी नो चेंज इन अ सेफ शिफ्ट एक्सेप्ट आफ्टर वीकली हॉलीडेज और एनी अदर हॉलीडेज, जो आपकी छुट्टी आएंगी उसके बाद आप शिफ्ट में चेंजेस ला सकते हो, लेकिन उसके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हॉलीडे आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के लिए हमें चैप्टर नंबर 7 के लिए उसके साथ डील करता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन, तो इसमें हमें बताता है सेक्शन नंबर 67 कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा वो काम करने के लिए अलाउडेड नहीं है, जिसको हम चाइल्ड कहेंगे। सेक्शन 67 प्रोवाइड दैट नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज 14 ईयर्स शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड इन अ फैक्ट्री। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 68 पर, जो अडोलेसेंस के बारे में बताता है। अडोलेसेंस या 14 साल से कम उम्र का बच्चा तो होगा चाइल्ड, 14 साल से ऊपर लेकिन मेजर ना हो, 18 साल से कम और 14 साल के ऊपर, 14 से 18 के बीच में जिसकी उम्र होगी उसको अडोलेसेंस कहते हैं। उसको अलाउड तो नहीं है काम करना, क्योंकि वो एक तरीके से माइनर ही है अभी, लेकिन कब कब वो काम कर सकता है, पहला अगर वो फिटनेस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे अपने मैनेजर को, और दूसरा अगर वो किसी के रेफरेंस से एंटर हो सकता है फैक्ट्री के अंदर। तो पहला आता है अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड इन द कस्टडी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, सेकंड सच चाइल्ड और अडोलेसेंस कैरी व्हाइल ही इज वर्किंग टेकन गिविंग अ रेफरेंस ऑफ सच सर्टिफिकेट। उसको बताना भी होगा कि वो सर्टिफिकेट उसका रियल है, उसने किस कौन से सर्जन से उसे बनवाया है। ऐसे में क्या होता है, जो फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयर होते हैं, अगर उनके जो काम है वहाँ पर जो उनका वर्क चल रहा है, अगर उनमें अगर वो कराते ही हैं बच्चों से काम, अगर एडोलसेंस उनकी फैक्ट्री में काम करते ही हैं, तो उनको एक परमानेंटली सर्जन भी रख लेते हैं और उन्हीं सर्जन को वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर्स ऑफ द कंपनी। तो उन्हीं सर्जन का वो बोलते हैं कि आप इसी पर्टिकुलर सर्जन का सर्टिफिकेट लेके आइए। हो सकता है कि ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे का गलत सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्योंकि माइनर और मेजर की सैलरी में फ़र्क होता है, तो उनका गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके, उनका गलत फिटनेस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके, उनकी एज बढ़ा करके वो सबमिट कर देते हैं, और फिर बाद में जब चेकिंग की जाती है तो सारा का सारा ब्लेम एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाता है। तो सेक्शन 69 हमें बताता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में। तो सेक्शन 69 क्लॉज 1 बताता है हमें कि अगर कोई यंग चाइल्ड है, कोई यंग पर्सन है, अगर उसके पेरेंट्स या गार्जियन एग्रीड हैं उससे काम कराने के लिए, और वो अपने सर्टिफिकेट और ऑफ फिटनेस अगर वो दे चुके हैं, तो उस पर साइन होना चाहिए मैनेजर का भी, कि वो भी उसे अलाउड करे उसकी विश के अकॉर्डिंग, कि उसके पेरेंट्स को या उसके गार्जियन को कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि उनका बच्चा हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है। ये हमारा बताता है सेक्शन नंबर 69 क्लॉज 1। उसके बाद 69 क्लॉज 2, जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो चाइल्ड को कब दिया जाता है, 14 साल के ऊपर, ठीक है, और जो एडल्ट का बनता है वो बनता है जब वो 15 साल अपने पूरे कर लेता है, जब वो एक तरीके से अडोलेसेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, एंटर हो जाता है। तो जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देगा, सर्टिफाइड सर्जन देगा, उसके पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की। तो वो पूरा एग्जामिन करेगा,
वो पूरी चेकिंग करेगा उसकी। हो सकता है फॉर एग्जांपल ऐसे कई केसेस देखे गए हैं कि मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉयर को हाई बीपी की दिक्कत है, तो वो अपना जिस दिन उसका चेकिंग होना होता है उस दिन तो वो पूरा मेंटेनेंस से खा पी के सही जाता है, उस दिन तो उसका एग्जामिनेशन ठीक आ जाता है, लेकिन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे क्योंकि उसको दिक्कत तो है ही तो उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है फैक्ट्री के अंदर काम करते करते। और अगर वर्किंग आवर्स के दौरान अगर उसको कुछ हो गया तो सारा का सारा ब्लेम फैक्ट्री के एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर के ऊपर आएगा। तो जो हमारा सर्जन है वो री एग्जामिन भी कर सकता है इसको, अगर किसी के थ्रू उसे पता चल गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये दिक्कत है और ये सही नहीं है हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो वो उसका सर्टिफिकेट रिमूव भी कर सकता है और वो बोल बता सकता है कि आपने गलत तरीके से बनवाया है। तो सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स वो चेक करेगा, चाइल्ड के केस में 14 ईयर्स है, एडल्ट के केस में 15 ईयर्स है, और वो जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड रहेगा, 12 महीने तक। ठीक है, तो किसी एम्प्लॉयर को जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि उसने फ्रॉड के थ्रू बीपी का अपना ना बताते हुए और उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया और फिर उसने कहा चलो 12 महीने के तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद री एग्जामिन करके वो सर्जन वो कैंसिल भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। और जो भी सर्टिफाइड सर्जन है वो क्या करेगा कि कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई क्लर्क है जो उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करता है, तो उसने अगर उसे पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को देख लिया कि इसको ये दिक्कत हो रही है काम के दौरान, तो वो अपने सुपरवाइज़र को बताएगा ये बात, फिर सुपरवाइज़र मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर के पास ये अथॉरिटी है कि वो इंस्पेक्टर को जाके ये कंप्लेन कर सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये दिक्कत है। और वो जो सर्जन की जो फीस है वो कौन देगा, हमारा एम्प्लॉयर देगा, हमारा जो इंस्पेक्टर है वो उसको फीस प्रोवाइड कराएगा। वो जो सर्जन का सर्टिफिकेट है वो फिटनेस का, वो किस लैंग्वेज में होगा, एक तो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरा लोकल लैंग्वेज में, जो वहाँ की पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ पर फैक्ट्री है उसकी लोकल लैंग्वेज में वो होगा। और जो भी फीस जो एम्प्लॉयर है वो अगर जो सर्जन को देगा वो रिकवर नहीं कर सकता, ना तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से या जो चाइल्ड वहाँ काम कर रहा है ना तो उससे उसकी सैलरी में से वो फीस काट सकता है, ना ही उसके पेरेंट्स या गार्जियन से वो फीस ले सकता है, वो उसकी खुद की लायबिलिटी है। तो ये हमने देखे आपके 60 से लेकर 69 सेक्शन तक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 71। थैंक यू एवरीवन।